हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द केरल रेडियो। स्टूडेंट्स, आज हम आपको एंटी माइक्रोबियल्स का पॉइंट, एंटीबायोटिक्स जो पिछले क्लास में बताए थे उसके बाद बताने जा रहे हैं हम एंटी सेप्टिक के बारे में। उसके बाद हम आपको बताएंगे डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में। इतना बताने के बाद हम आपको आज एनास्थेटिक्स और एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टूडेंट्स देखते हैं एंटीसेप्टिक्स। तो एंटीसेप्टिक्स वैसे ड्रग्स होते हैं या केमिकल्स होते हैं जिनका उपयोग हम लोग एक्सटर्नली करते हैं, मतलब एक्सटर्नल इसका यूज होता है। और कहाँ यूज होता है, तो आपको वुंड्स के ड्रेसिंग के लिए, कटा छटा भाग है उसके ड्रेसिंग के लिए, और जो स्किन सरफेस फंगस वगैरह से इन्फेक्टेड होते हैं उनको आपको क्योर करने के लिए, उसके इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम लोग एंटीसेप्टिक का उपयोग करते हैं। दैट मीन्स आप देख सकते हैं कि केमिकल सब्सटेंस यूज फॉर द ड्रेसिंग ऑफ वुंड्स, कट्स, डिजीज्ड स्किन सरफेस टू इनहिबिट और किल द माइक्रोब्स विच कॉज इन्फेक्शन। और आप देखें कि इसका जो एग्जाम्पल्स होगा, सोफ्रामाइसिन ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है और अधिकतर घरों में इसका यूज होता है इस पर्पस के लिए। उसके बाद आप देखें फ्यूरासिन, डिटॉल, टिंचर ऑफ आयोडीन, बोरिक एसिड, आयोडोफॉर्म, बिथियोनल नॉल या बिथियोनल, ये दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीसेप्टिक्स। नाउ आपको एग्जाम में पूछ देता है कभी कि डिटॉल क्या है, तो डिटॉल एक प्रकार का मिक्सचर है और ये मिक्सचर होता है क्लोरोजेलिनॉल का और टर्पेनियॉल का। लेकिन डिटॉल में जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट जो प्रॉपर्टीज होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्लोरोजेलिनॉल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि क्लोरोजेलिनॉल और टर्पेनियॉल का मिक्सचर तो डिटॉल जरूर है, लेकिन क्लोरोजेलिनॉल जो है वो एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। नाउ हम लोग देखते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन के बारे में। तो टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है, इसमें ये भी एक प्रकार का सॉल्यूशन है, दैट मीन्स ये मिक्सचर है। और ये मिक्सचर है क्या, अल्कोहल और वाटर के सॉल्यूशन में 2-3% आयोडीन मिलाया रहता है। ये भी एंटीसेप्टिक के जैसा बिहेव करते हैं। अगला हम लोग देखें आयोडोफॉर्म, जिसका फॉर्मूला होता है CHI3, ये भी एंटीसेप्टिक के जैसा बिहेव करता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जाम में पूछता है कि एंटीसेप्टिक जो एक्शन आयोडोफॉर्म का होता है वो किसके कारण होता है, तो ड्यू टू लिबरेशन ऑफ आयोडीन ऑन अप्लाइड वुंड्स एंड कट्स। ये आपको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आप देखें बोरिक एसिड, बोरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है H3BO3 होता है, लेकिन बोरिक एसिड का उपयोग हम लोग डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड के रूप में करते हैं। और ये जो बोरिक एसिड होता है वो वीक एंटीसेप्टिक्स के रूप में बिहेव करता है और ये यूज किया जाता है आइज के लिए। आइज में एंटीसेप्टिक जो हम लोग डालते हैं वो बोरिक एसिड होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिथियोनल। तो बिथियोनल या बिथियोनॉल जो है इसको साबुन में मिलाया जाता है, जिसमें कि ये जो है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज को शो करता है। तो नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है वो है डिसइंफेक्टेंट्स। तो डिसइंफेक्टेंट्स जो होते हैं इनका भी यूज एक्सटर्नल वे में ही होता है, एक्सटर्नल यूज होता है, लेकिन इसका यूज लिविंग सिस्टम पे नहीं होता है, इसका यूज नॉन लिविंग सिस्टम पर होता है। दैट मीन्स नॉन लिविंग जो थिंग्स होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं या जो सिस्टम है उसको हम लोग इनएनिमेट ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पर यूज होने वाला केमिकल्स जो वहां पे उपस्थित जो माइक्रोब्स होते हैं उसको किल कर दे, तो वैसे केमिकल्स को हम लोग डिसइंफेक्टेंट्स कहते हैं। और ये जो आपको नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो हो सकते हैं
ये फ्लोर्स हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, ड्रेनेज सिस्टम, ये सभी में हम लोग जो माइक्रोब्स को किल करने के लिए जो यूज करते हैं केमिकल्स उनको हम लोग डिसइंफेक्टेंट्स कहते हैं। अब इसका एग्जांपल आप याद रखेंगे, 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल बिहेव्स एज डिसइंफेक्टेंट्स, 0.4 ppm, ppm का मतलब होता है आपको पार्टिकल्स पर मिलियन, तो 0.4 ppm ऑफ Cl2 का अगर आपको सॉल्यूशन है तो इसका यूज किया जाता है आपको डिसइंफेक्टेंट्स के रूप में। उसके बाद आपका फॉर्मलिन, तो फॉर्मलिन जो होता है 40% आपको सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड होता है, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला HCHO जानते हैं, तो फॉर्मल्डिहाइड से और वाटर का जो है सॉल्यूशन होता है वो फॉर्मल फॉर्मेलिन कहलाता है। ये प्रिजर्वेटिव्स के रूप में यूज किया जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट वगैरह को प्रिजर्व करने में फॉर्मेलिन का यूज होता है, बायोलॉजिकल स्पेसिमेन वगैरह होते हैं उनको भी प्रिजर्व करने में फॉर्मेलिन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं एनास्थेटिक्स के बारे में, तो एनास्थेटिक्स जो है वैसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो जनरल इनसेंसिबिलिटी को प्रोड्यूस करता है, किसके लिए, तो पेंस के लिए या अदर सेंसेशन के लिए। मतलब एनास्थेटिक के उपयोग करने से हमारा जो सेंस ऑर्गन्स है वो ढंग से काम नहीं करता है। आजकल पार्टिकुलर पार्ट पे भी एनास्थेटिक्स का यूज किया जाता है, जिस पार्ट को ऑपरेट करना होता है वहां पे एनास्थेटिक इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। पहले यूज होता था क्लोरोफॉर्म का, डाइथाइल ईथर का, आजकल नोवेकेन और अदर आपको एनास्थेटिक्स ये सभी का उपयोग किया जाता है। पहले जब एनास्थेटिक्स का यूज होता था ऑपरेशंस वगैरह में तो पहले बड़े बड़े रस्सी से, मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया जाता था टेबल पर पेशेंट को, और उसके बाद आपको ये एनास्थेटिक्स को सुखाकर उनका ऑपरेशन किया जाता था, और अगर ज्यादा सूंघ लिया तो ऑपरेशन के पहले ही ऑपरेशन होते ही समाप्त, और अगर कम सूंघा तो ऑपरेशन का अनुभव उनको ऑपरेशन होते ही पता चलने लगता था। तो ऐसा था सिस्टम पहले, लेकिन आज का सिस्टम काफी अच्छा हो गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स जो है ये, दैट मीन्स एंटी का मतलब हो गया अपोजिट ऑफ फर्टिलिटी का मतलब है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए जो ड्रग्स जो है यूज किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। दैट मीन्स ये क्या होता है कि ये जो ड्रग्स होते हैं ओवुलेशन को कम करते हैं, और ओवुलेशन कम होगा तो दैट मीन्स प्रेगनेंसी वुमेन में चेक होगा, तो दैट मीन्स कह सकते हैं कि वुमेन्स में प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए जो दवा दी जाती है उसको हम लोग एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स कहते हैं। और ये जो ड्रग्स होते हैं ये मिक्सचर्स के रूप में होते हैं, और ये मिक्सचर होता है सिंथेटिक एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों आपको आपका हार्मोन्स है ये जो कि वुमेन्स में सीक्रेट होते हैं, तो इन्हीं दोनों के जो सिंथेटिक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव्स होते हैं उसका यूज करते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स में, और ये पॉपुलेशन कंट्रोल करने में काफी मदद देता है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल हम लोग देखें नोरिल्थिंड्रोन, एक प्रकार का ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स है, और ये जो होते हैं प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ आज के टॉपिक में एंटीसेप्टिक्स के बारे में देखा, डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में देखा, एनास्थेटिक्स के बारे में देखा, और एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के बारे में देखा। तो आज यही तक, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।